हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और बच्चे रहे हैं खेल कूद का बहुत, मतलब एक दूसरे को ढूंढना है, ये बहुत खेल रहे हैं। और मैंने ये वाला सलवार, इसको ये वाली सलवार है और ये पैर मेरे को बेटा, आप भी खेल लो, जाओ खेल लो। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। ये देखो पार्टी आ चुकी है, यहाँ पंखा नहीं है, पापा के ऊपर चल रहा था। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद भी। अभी जो है उसके बाद यहाँ पर मैं काट रही थी खरबूजा, तो ये भैया भाभी आए थे, खरबूजा लेकर आए थे। तो बच्चे कहने लगे कि बुआ जी खरबूजा काट लो, सब मिलकर खाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ बगड़ में खाट बिछा कर चारपाई मतलब डालकर बैठ गए थे और खरबूजा काट रही हुई। ये सूट मैंने अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी नहीं था, ये मैंने सिला लिया था पर ये टेलर के रह गया था। फिर मैं जब यहाँ पर घर आ रही थी जिस दिन, उस दिन मैंने ये टेलर के यहाँ से ले लिया था और 10 मिनट लगी थी मतलब वहाँ से लेने में। और फिर मैंने अब तक पहना भी नहीं था, एक हफ्ता हो गया। तो मैंने सोचा कि पहले इसको है ना धो लेते हैं, उसके बाद पहनूंगी। पहले मैंने इसको धोया था, फिर उसके बाद इसको मैंने पहना है। तो देखिए वहाँ बहुत सारे कपड़े रखे रहते हैं और जिस तरह से रोग चल रहा है, डर सा लगा रहता है। उसको अच्छे से धोकर फैलाया पहले, फिर उसके बाद मैंने पहन लिया आज ही। और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सूती है और गर्मी भी बिल्कुल नहीं लग रही, ना पहन के पता भी नहीं चल रहा, इतना हल्का है बहुत, और बहुत सुंदर लगा मेरे को तो। और यहाँ बच्चों की चल रही है मस्ती, एक साइकिल पे तीन तीन चार चार लगे हुए हैं, बहुत मन लग रहा है। तो देखिए हमारे बच्चों की कितने प्यारे लग रहे हैं, इन सबकी मस्ती। अभी जो है यहाँ पर मम्मी और भाभी बैठी हुई है, भाभी काट रही है भिंडी और मम्मी बैठी हुई बात कर रही थी, तो मैं यहाँ पर इन दोनों की वीडियो बना रही थी। और अभी जो है आ चुकी है भाभी। कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी आने वाली है, मेरे को नहीं पता था कि ये लोग आने वाले हैं और सरप्राइज़ था हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर बच्चे अभी भी मस्ती कर रहे हैं, छोटे वाली भाभी धो रही है दाल और बड़े वाली भाभी काट रही है भिंडी। तो दाल और भिंडी बनेगी आज शाम के खाने में। ये देखिए अवनी को घुमा रही थी पाखी, फिर कायरव बोला मेरे को भी, जब से मतलब आई है पाखी तब से कह रहा हूँ मतलब मेरा कम पीछा कर रहा है, बस मांटू दीदी के साथ में लग रहा है और बच्चे भी सारे उसी के साथ में लग रहे हैं। मतलब लग नहीं रहा कि घर में बच्चे हैं, मतलब उड़ली मतलब ज़्यादातर इधर ये फलाना वो फलाना नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, अपने काम में अपनी खेल में लग रहे हैं। उनकी दीदी आ गई है उनके साथ में। और अभी ये देखिए पन्नी की पतंग उड़ा रही थी। मैंने थोड़ा थोड़ा सा मौसम दिखा देते हैं, हवा चल रही है बहुत तेज तेज और बारिश आने को हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है। ये देखिए खिला रही है पाखी कायरव को, बहुत मन लग रहा था कायरव का भी। और अवनी ने छोट पन्नी की पतंग बना रखी थी, मैं एक वजनी पहिया बांध लिया, ये उड़ नहीं रही थी बिल्कुल भी। फिर उसके बाद हम यहाँ बुआ भतीजी कर रहे हैं मस्ती, कह रही कि बुआ जी मेरे को भी घुमाओ। तो मैं इसको घुमा रही थी तो कायरव कह रहा रस्सी पकड़ लो मम्मी, रस्सी खेल लेंगे। मतलब ये बार बार रस्सी दे रहा था, ये ले। मैं इसको बोली चलो अभी बुआ को पौधी ले लो, पौधी लो मेरे को। बहुत मस्ती कर रहे थे, थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। और फिर अभी यहाँ पर है ना छोटी भाभी मेरी दूध निकाल रही है, तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरी छोटी भाभी भी दूध निकाल लेती है। हम है ना मम्मी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी और भैया छोटे वाला, हम सब लोग दूध निकाल लेते हैं। तो ये गाय बहुत सीधी है, मतलब कोई भी बैठ कर आराम से दूध निकाल लेता है। अभी जो है उसके बाद में यहाँ पर ये पास वाली भाभी खड़ी हुई है, मम्मी है और पापा जी हैं, वो लेट ही रहे हैं, भाभी ये रही, मैं बर्तनों का टोकरा रख रही हूँ उठाकर। तो सब जने अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कायरव को लग गए हैं पैर, चार चार पैर जीने पे चढ़ने के, मतलब जब देखो सारे दिन जीने पे चढ़ता रहता है और ऊपर जाकर खड़ा हो गया और फिर उतरने की कोशिश कर रहा था। फिर एकदम से अपनी भागी, मैंने कहा बेटा जाना भागे कहीं गिर ना जाए। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों बहन भाई गिरने से बचे बाल बाल, फिर भागी पाखी और मैं यहाँ नहीं थी, यहाँ पर मैं अपना काम कर रही थी। तो अरुका बना रही थी वीडियो, फिर अरुका ना मेरे को, मैंने उसकी भागी बनवाने के लिए दिया था तो उसने ये वाली बनाई। बुआ जी अभी गिर जाता भैया, ये बहुत शैतान हो गया, बार बार जीने में हो जाता है, बहुत परेशान करता है, सारे दिन मैं भी इसको संभालने में रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी कान्हा जी की वीडियो बना ली थी, मम्मी लगा रही थी कान्हा जी को भोग, तो मैंने सोचा कि दिखा देते हैं। हमारे घर आए हैं लड्डू गोपाल और अभी यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, मुझे कह रहे थे कि बुआ जी आप रस्सी कूदो, तो मेरी इतनी रस्सी छूट रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रस्सी इन पर घूम नहीं रही थी, ऊपर को उछल नहीं रही थी। तो यहाँ कायरव छीन रहा था, कहीं अर्चित पकड़ रहा था, इसको ये रहता है बच्चों में, पूरी मस्ती कर रखी थी बच्चों ने, पूरा मन लग रहा है।
उसे बहुत मन लग रहा है, अब और भी ज़्यादा लग रहा है, पहले भी लग रहा था, और अभी ये मेरे को रस्सी कूदा रहे थे, तो मैं देखिए किस तरह से रस्सी कूद रही थी, मेरे को तुम पे नहीं उछाली जा रही है, जैसे भी तुम उछालोगे ऐसे ही मैं कूद लूँगी। मैंने एक पाँव पहले निकाल लिया, एक बाद में निकाल लिया, मेरी हंसी भी जुट रही थी, ये भी हंस रहे थे, बुआ जी कैसे रस्सी कूद रहे हो, कैसे कूद रहे हो, मैंने कहा तुम बना रही खेल ली, फिर यहाँ मेरे पाखी मस्ती कर रहे थे। फिर अभी जो है शाम का समय हो गया है धीरे धीरे, और मैं बना रही हूँ खाना, तो मैं खाना बना रही हूँ, छोटी भाभी गाल कर दे रही है, मम्मी जो बच्चों को संभाल रही है, और मैंने सोचा कि चलो अब खाना मैं बना देती हूँ, थोड़ा सा है ना कभी कभार कर लेना चाहिए। तो कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि दीदी कोई दिक्कत नहीं है मायके में जाकर, क्या लड़की काम नहीं करती। बात सही है आपकी, जब ससुराल में करती है तो मायके में करने में क्या दिक्कत है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हाँ ज़्यादा खुश रहती है, वहाँ खुश नहीं रहती। तो देखिए वहाँ मतलब पूरा टाइम मेरे को कायरों को संभालना, काम करना, एक आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है जब पूरे दिन है ना काम करना, बच्चे को रखना पूरे दिन। यहाँ थोड़ा सा मैं कायरों से फारिग हो जाती हूँ, मम्मी संभाल लेती है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये वाली क्लिप जो है ना यहाँ पर ऐड कर दी मैंने आगे, मैंने हाँ दिखाया भी आप लोगों को, बोला था कि मम्मी भोग लगा रही है, ये क्लिप यहाँ पर ऐड हो गई है। तो ये देखिए कान्हा जी को भोग लगा दिया है, दाल जो बनाई है वो जीरे में छुप कर बनाई है, और भिंडी में तो प्याज थी तो इसलिए दाल रोटी का भोग लगाया। और यहाँ पर जो है गेहूँ आ चुके हैं हमारे, गेहूँ मैंने बोला था कि कुछ गेहूँ रह रहे हैं और निकल चुके हैं, भगवान की दुआ से काफ़ी अच्छी मतलब फसल में पैदावार हुई है। ये छोटे वाले भैया गेहूँ उतार रहे थे, और मैं फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हाथ में लगवा देती हूँ भैया के साथ में, वो ऊपर बैठा हुआ एक भाई वो उठवा रहा था और यहाँ से भैया उठा रहे थे, तो मैं थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ भैया की, थोड़ा सा आसान हो जाता है। बस ये है अकेले तो वैसे डालेंगे तो अंदर अकेले ही, पर थोड़ा सा हाथ लगवा दे थोड़ा सहारा हो जाता है। चलिए फटाफट से काम भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ना आज है ना नाच खोल कर नहीं छोड़ रहे थे, गैल की गैल कट्टे जो हैं वो टंकी में रिता रहे थे, थोड़ा सा गैल की गैल है ना टंकी में रिता देते हैं, रखने के नहीं काफ़ी सारे कट्टे थे तो फटाफट से रिता देंगे, फिर भी तो डालने थे, तो यहाँ पर लग रहे थे भैया। और अभी रात हो गई है, हम लोग यहाँ लेट रहे हैं, और तो मैं यहाँ लेट रही थी, कायरव जो है वो सो गया था, और इधर अवनी और अरुका और मांटू तीनों लगे हुए थे, तो यहाँ मैं और भाभी बात कर रहे थे, तो मैं हंस रही थी। मगर भाई पाखी फैमिली ब्लॉग वाले लौटे हैं यहाँ, और ज्योति ब्लॉगर लेटी है, थोड़ी सी मजाक चल रही थी। तो बस ये बच्चे जो है अभी भी खेल रहे थे, और अभी जो है रात के 10:30 बजे थे, हम लोग कह रहे थे कि चलो सो जाते हैं, पर मम्मी ने कहा एक बार मैं दूध दे दूँ फिर तुम सब है ना लेट जाना अपनी अपनी जगह पर, तो बस मैं दूध की बाट देख रही थी। और चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चलिए
लिए भी आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, वीडियो का एंड कर लेती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट तो मुझे ये आए कि दीदी आपकी जो लिपस्टिक है का जो शेड है वो बहुत पसंद आया हमें, थैंक यू। कुछ लोगों ने मेरे को ये भी कमेंट किया कि जब देखो बाल खुले रखती है, इसको बाल खोलने के लिए क्या बोल दिया, सर पर 4 बाल सारे दिन खोल कर रखती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करने वाले तो बोलेंगे, एक दो ऐसे इंसान हैं जो बोलते हैं वो अभी भी बोलेंगे कि बाल खोल रखे। तो अभी मैंने जस्ट शैम्पू किया है, ना कर आई हूँ मैं, तो सोचा कि वीडियो का एंड कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मैं बोल रही थी कि अभी भी हमारे कहने जा रहे हैं उठाए बिना, वो नहीं उठे हैं, मतलब कुछ तो आ गए थे कुछ रह गए थे, तो अभी वो भी आ गए हैं, वो फसल भी मतलब आ गई है घर पर, और कुछ लोगों के अभी रह रहे हैं बस भगवान से। कल तो बहुत ही गंदी और बारिश होने लगी थी, तो हम ये सोच रहे थे कि भगवान बस है ना बारिश आंधी वगैरह ना आए, क्योंकि सब बहुत सारे किसान भाइयों के अभी भी क्यों खेत में खड़े हैं, उनको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो बस यही था कि भगवान प्लीज़ हवा ना चलाना, ना ही बारिश करना, क्योंकि घुस उठता है हवा में। फिर भी थोड़ी बहुत हवा चली और थोड़ी सी बारिश आई, और ज़्यादा बारिश आ जाती तो लान भीग जाता, मतलब जो गेहूँ है वो भीग जाते। अभी भी रह रहे हैं बहुत से लोगों में, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि तुम्हारी भाभी आने वाली थी तुमको नहीं पता, मेरे को नहीं पता था, उन लोगों ने सरप्राइज दिया। और देखिए जब पूरी फैमिली एक जगह हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत टाइम से लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारी भाभी तुमको नहीं बुलाती है, तुम हमारे पास नहीं आती है, क्या सब। देखिए ऐसा होता है, हर घर में लड़ाई होती है, छोटी मोटी बातें होती हैं, गुस्सा नाराज़गी होती है। तो ये नहीं है कि छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों का रूप ले लें, सब अभी सब नॉर्मल है, हो जाती है गुस्सा नाराजगी नंद भाभी में तो अक्सर। तो आ गई भाभी, लो आप लोगों की शिकायत भी दूर हो गई कि भाभी नहीं आती, तो आई हैं, देखिए वो भी आ गई है। अब सब है ना, हम सब लोग एक जगह है, और एक दिन आई थी भाभी पर उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरी तबीयत ख़राब थी उन्हें पता चला, और कोई वीडियो उन्होंने नहीं बनाकर डाली कि भाई लोग ये सोचते हैं कि भाई आई तो मतलब दिखाने के लिए, अभी वो रहने के लिए आई है, 4-5 दिन रहेंगी, मैं भी अभी यहीं हूँ। और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत सारा प्यार दिया, तो प्लीज़ ऐसे प्यार देते रहिए, साथ बने रहिए। और थोड़ी सी मैंने भैया की हेल्प कराई, मुझे कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि दीदी आप अच्छा करते हो, मायके में भी करते हो, ससुराल में भी करते हो, और लड़की का काम, मैं देखिए बात जानती हूँ, लड़की जहाँ जाती है वहीं काम करती है, काम करने से कभी किसी का कुछ घसता नहीं है, ना ही आदमी हारता काम करने से कि भाई मैं वहाँ जाकर बैठ आराम करूँगी तो मोटी हो जाऊँगी, ससुराल में आकर हार जाऊँगी। या वहाँ कुछ लोगों ने ये भी बोला कि यहाँ आकर खुश रहती है, वहाँ खुश नहीं रहती, वहाँ ना खुश रहने का रीज़न ये है, खुश रहती हूँ मैं वहाँ पर, थोड़ी सी परेशानी मेरी ये बढ़ती है वहाँ पर कि मेरे को है ना सारे दिन कार्यों को रखना होता है और काम भी करना होता है। और यहाँ पर जो है ना आप लोग समझ सकते हो, जहाँ 6-7 जने हों तो वहाँ पर मेरे को इतनी निगरानी रखनी पड़ती, थोड़ा आराम भी कर लेती हूँ, एक आधा काम भी कर लेती हूँ, और वहाँ पर काम भी करना और पूरे दिन जब बच्चा रखना तो मतलब मेरा दिमाग परेशान हो जाता है, परेशान हो जाती हूँ मैं। तो थोड़ा मम्मी ने भाभी ने सबने कॉल किया, बोला कि आप है ना घर आ जाओ कुछ टाइम के लिए, रेस्ट कर लेंगे, जब इतनी हालत ख़राब थी चल रही है, बता रही थी मैं पिछले 15 दिन से बुखार आ रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा, चला फिरा नहीं जा रहा, तो सबने मेरे को बोला कि घर आ जाओ कुछ टाइम, यहाँ आराम कर लो। तो इस वजह से मैं यहाँ आ गई, और अभी जो है मेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। आप लोग भी इतना सारा प्यार दे रहे हो, बहुत सारा प्यार। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट, तब तक के लिए बाय बाय।